अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लाइव विद नूरी। मैं बना रही हूँ आज माश की दाल। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माश की दाल है, इसको मैंने धो के आधा घंटा भिगो के रख लिया था। टमाटर है 2 अदद, इनको मैंने ब्रीक काट लिया। प्याज है 2 अदद, इनको मैंने ब्रीक काट लिया। लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है ये 2 टीस्पून, सिर्फ 3 हरी मिर्चें। मसालों में है कुटी हुई सुरख मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला है इसमें, काली मिर्च है, ज़ीरा है, लौंग है, बड़ी इलायची है, आधा टीस्पून गरम मसाला है पिसा हुआ, 1 टीस्पून है पिसा हुआ धनिया, और 1 खाने का चम्मच है सुरख मिर्च पिसी हुई, और ये नमक है, ये भी 1 खाने का चम्मच है। देशघी में मैंने घी डाल लिया, ये आधा कप है। अब इसमें प्याज शामिल करते हैं। प्याज मैंने डाल दिया था घी के अंदर, अब इसको हम हल्का सा पिंक करेंगे। प्याज हो गया नरम, पड़ गया ये थोड़ा सा। अब इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने 2 टीस्पून लिया था। अब इसको मिक्स करेंगे। प्याज अदरक लहसुन हो गया है, अब इसमें मैं तमाम मसाले शामिल कर दूँ। थोड़ा सा पानी डालेंगे। साथ ही इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी। इसको मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे। मसाला हो गया, मसाले ने ऑयल छोड़ दी है। अब इसमें दाल शामिल कर दूंगी मैं। दाल को मैंने डाल दिया मसाले में, अब इसमें 1 गिलास पानी भी शामिल कर दूंगी। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे, मसाले और दाल को, और इसको कवर कर देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आंच हल्की कर देंगे। आधे घंटे के बाद देखते हैं इसकी। आधा घंटा हो गया था दम पे रखे हुए दाल को। दाल माशाल्लाह पक के तैयार हो गई है, और ये देखे दाना भी इसका बिल्कुल गल गया। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। माश की दाल तैयार है। मेरी इस रेसिपी को फुल वॉच करें, शेयर करें, लाइक करें मेरे चैनल को, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।